कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है, सीएम सिद्धरमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुडा यानी MUDA मामले में हाईकोर्ट याचिका खारिज कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट सिद्धरमैया सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको बता दें कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, बता दें आपको मुड्डा यानी MUDA जमीन घोटाले मामले में याचिका खारिज कर दी गई है। सीएम सिद्धरमैया पर अब केस चलाया जाएगा। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है जहां सीएम सिद्धरमैया को हाईकोर्ट से झटका लग गया है। सीएम सिद्धरमैया पर केस चलाया जाएगा। आपको बता दें दरअसल ये मामला एक जमीन के टुकड़े का है जिसका नाप 3.25 एकड़ है, जो सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर है। बीजेपी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पर लगातार हमलावर है। आपको बता दें बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है, इस मामले में उन्होंने सीएम सिद्धरमैया पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। भाजपा लगातार सिद्धरमैया पर हमलावर है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, इसकी वजह से उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है भाजपा द्वारा। इस मामले में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे चुके हैं। आपको बता दें बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है जहां कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को हाईकोर्ट से झटका लगा है। मुडा मामले में उनकी याचिका हाईकोर्ट से खारिज कर दी गई है। अब सिद्धरमैया पर केस चलाया जाएगा। आपको बता दें जमीन से जुड़ा एक मामला है, जो जमीन 3.25 एकड़ की है, जिस पर 3.14 एकड़ की जो जमीन है जो सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती के नाम पर है, उस जमीन मामले को लेकर बीजेपी लगातार उन पर हमलावर है। आपको बता दें बीजेपी उन पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है और उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। आपको बता दें अब याचिका खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीएम सिद्धरमैया। आपको बता दें हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब सीएम सिद्धरमैया सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस मामले को लेकर। बता दें बड़ी खबर इस वक्त की कर्नाटक से आ रही है, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें मुडा केस जो है MUDA मामले में उनकी हाईकोर्ट से याचिका खारिज कर दी गई है, जिसके बाद अब सिद्धरमैया पर केस चलाया जाएगा। आपको बता दें बड़ी खबर है ये सीएम सिद्धरमैया पर, दरअसल ये एक जमीन का मसला है, 3.14 एकड़ की जो जमीन है जो सिद्धरमैया की पत्नी के नाम पर है, उस जमीन को लेकर बीजेपी लगातार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती आई है और उन पर हमलावर है और उनसे इस्तीफे की मांग बीजेपी द्वारा की जा रही है। आपको बता दें इस मामले में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी सिद्धरमैया पर के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे चुके हैं। बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। आपको बता दें सीएम सिद्धरमैया पर अब केस चलाया जाएगा, सीएम सिद्धरमैया पर केस चलाया जाएगा मुडा मामले में से। उनकी याचिका हाईकोर्ट से खारिज कर दी गई है, लेकिन अब सिद्धरमैया सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है, हाईकोर्ट से उन्हें झटका लगा है, जिसके बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जमीन से जुड़ा यह मामला है जिसको लेकर बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर है, लगातार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है, बीजेपी सिद्धरमैया से इस्तीफे की भी मांग कर चुकी है। आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, इस मामले में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने की भी अनुमति दे चुके हैं। बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से। आपको बता दें सुप्रीम हाईकोर्ट से सिद्धरमैया कर्नाटक के जो सीएम है उन्हें झटका लगा, उनकी याचिका खारिज कर दी गई है जमीन घोटाले मामले में, अब उन पर केस चलाया जाएगा। हालांकि वे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाईकोर्ट से उनकी याचिका खारिज की गई है, जिसके बाद अब वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन पर केस चलाया जाएगा। ये बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक से, जहाँ जमीन मामले जमीन के टुकड़े को लेकर एक विवाद है जिस पर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार बीजेपी द्वारा लगाए जा रहे हैं। ये जमीन का टुकड़ा 3.14 एकड़ का है जो सिद्धरमैया की पत्नी के नाम पर है।